बसंत, मैं अपने चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बिहार का जो विवाद चल रहा है ऑनलाइन करना था, वो कुछ दिनों से सर्विस मेंटेनेंस में चल रहा था, साइड मेंटेनेंस में चल रहा था। तो दोस्तों, आज बताएंगे कि उसमें क्या चेंजेस हुआ है और उसको कैसे उन्होंने सोल्यूशन निकाला है और क्या है। तो दोस्तों, ये सब बात जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको आना है यहाँ पे, किसी ब्राउजर में टाइप करना है RTPS। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि RTPS, उसके बाद से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद से दोस्तों आपके सामने इंटरफेस ऐसे खुलता है, आप इसे किसी भी क्लिक करके जा सकते हो। तो आप नोटिस पे मेरा समस्या है कि नोटिस पे जाओ। नोटिस पे क्लिक करने के बाद एग्री हो गए। एग्री करने के बाद से ब्लॉक पे सब सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आधार नंबर डालने का जो ऑप्शन था वो पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब आधार कार्ड और एक चीज और दोस्तों, जो अब इसमें शर्त रखा है, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर उसी मोबाइल नंबर से सिर्फ आप कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये साइट काम नहीं कर रहा था, इसके वजह से मैं इसको वीडियो बनाने को सोच रहा था, और जैसे ही काम किया मैं आप लोगों के सामने हाजिर कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ आधार नंबर डालोगे, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ। आधार नंबर डालने के बाद से यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों, और क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे आधार से सेम टू सेम भरना होगा दोस्तों, क्योंकि अब आधार नंबर ले रहा है। तो आप भर लेंगे आधार कार्ड नंबर से, और जैसे निवास जात या कुछ भी बनाना हो तो आप आय बनाओगे, चाहे जात में आय बनाने के लिए प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में है वही चाहिए दोस्तों, तो इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद से दोस्तों सेम प्रोसेस पहले जैसा, लेकिन बस चेंजेस ये कि आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो होना ही चाहिए। मैसेज आ चुका है और मोबाइल पे मैसेज पहले दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात और, पहले आपको 4 अंक के वेरिफिकेशन कोड दिए जाते थे, लेकिन अब आपको 6 अंक के कोड दिए जा रहा है। तो दोस्तों आप परेशान ना हो, और आप मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ, आप भर लीजिएगा और फिर से वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने सेम प्रोसेस वही खुल जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज इसमें कमी है जो कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे आधार वेरीफाई हो रहा है OTP से, तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि अगर OTP से वेरीफाई हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाना चाहिए कम से कम, और कुछ नहीं तो यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे लिंक वगैरह तो कम से कम फिल हो जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इस साइड में हमारे ख्याल से डेवलपर ने ये ध्यान नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, जैसा ही है वैसा ही, और सेम प्रोसेस आप यहाँ पे आधार से सेम भर लेंगे। सिम भरने के बाद से अपना वो सारा डेटाबेस चेक कर लेंगे आप जहाँ से चाहे के भी हैं वो, और मैं जैसे कर दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, चुप कर नहीं रहा हूँ, आप जैसे भी भर लोगे। और भरने के बाद से दोस्तों आप कोई प्रोसेस नहीं, सेम प्रोसेस आपको करनी है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों, थोड़ा सा प्लीज वेट के लिए बोलेगा, और फिर से आगे हो जाएगा सेम वही प्रोसेस दोस्तों जो आपने पुराना किया करते थे। बट इस समय बात वो है कि यहाँ पे आधार नंबर जो किया और 6 अंकों का वेरिफिकेशन कोड है। दोस्तों हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोले। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब